आज का दिन भारत और भारतवासियों के लिए गर्व भरा दिन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। वहीं श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन सस्पेंस सेंटर से आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ उड़ान भर दिया है। वहीं करीब 40 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेंगे। इस मून मिशन पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को गेम चेंजर बताया है। वहीं इसरो में वैज्ञानिकों की टीम श्री हरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद ट्रैक की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक पुजारी की आत्महत्या के मामला जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कथित तौर पर सुसाइड नोट में पुजारी ने जिन 3 लोगों के नाम लिखे हैं उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीनों आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन सामने बताया जा रहा है। वहीं यूपा ब्राह्मण परिषद नाम के संगठन ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो मामला जिले के दोपड़िया गांव का है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है यहां 60 साल के धीरेंद्र गोस्वामी एक मंदिर के पुजारी के तौर पे काम करते थे। बीते 25 मई को उनकी बेटी ने सुसाइड किया था। पास मिले नोट में सुदीप धाकर, दिनेश, जीवन, राकेश और कुलदीप और वीरेन के नाम मिले हैं। ये सभी उसी गांव के रहने वाले हैं। गोस्वामी की बेटी विदिशा गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। खबर है कि सुसाइड से पहले उसने सुदीप धाकर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लड़की की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके बाद धाकर और उसके दोस्त लड़की के घर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। मृतक की पत्नी ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुसाइड के अगले दिन यानी 26 मई को पुलिस ने सिर्फ सुदीप धाकर को गिरफ्तार किया है और 25 दिन तक जेल में रखकर छोड़ दिया है। आरोप है कि जेल से निकलकर सुदीप ने बाकी 5 आरोपियों के साथ मिलकर गोस्वामी को धमकी देना शुरू कर दिया था। इसके बाद 7 जुलाई को पुजारी ने भी अपनी जान ले ली है। पास मिले नोट में 3 लोगों के नाम मिले हैं, भगवान सिंह धाकर, कल्याण धाकर और राजेश धाकर। आरोप है ये तीनों पुलिस पर दबदबा डालकर पुजारी की बेटी के आरोपी की गिरफ्तारी को रोक रहे हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो भगवान सिंह धाकर बीजेपी के पूर्व विधायक, जिला उपाध्यक्ष है, राजेश धाकर बीजेपी का जिला कार्यालय प्रभारी और कल्याण धाकर भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इन तीनों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तस्वीर भी सामने आई है। मामले पर विदिशा के SP दीपक ने बताया है मृतकों के पास से बरामद नोटिस में 3 लोगों के नाम मिले हैं। इन्हें सुसाइड नोटिस नहीं कहा जा सकता है। हमने नोट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। राइटिंग एक्सपर्ट से राय लेने के बाद हम फैसला लेंगे उन पर मामला दर्ज करने की जरूरत है या नहीं। भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आज यानी 14 जुलाई को अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं IMD ने कहा है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 जुलाई को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने वाली है। वहीं IMD का अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया गया है कि 14 जुलाई को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, आसाम, मेघालय, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में होगा। वहीं 15 से 18 जुलाई को उत्तराखंड और 17 और 18 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कोंकण, गोवा। अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान उत्तर पश्चिम भारत है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं 17 जुलाई को उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत ने आज चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी हार्दिक बधाई है। उनकी अथक खोज ने आज भारत को पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह पे आगे बढ़ाई है। और वही सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि ऐतिहासिक क्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से श्री हरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 एक लैंडर, एक रोवर और एक
प्रोपल्शन मॉडल से लेस है। इसका वजन करीब 3900 किलोग्राम है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर से अपना भारत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो की समस्त टीम की हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीत के एक कृतिमान गढ़ते हमारे इस नए मिशन पे दुनिया भर की नज़र। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सतर्क होगी, लैंडर सफलतापूर्ण चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और भारत के इस कीर्तिमान से चंद्रमा के विज्ञान को सारी दुनिया जानेगी। उनकी जय हो। और वही चंद्रयान 3 के लॉन्च में होने वाले भारत के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने इसरो टीम की बधाई दी है। उन्होंने कहा है, मैं इसरो टीम को बधाई देता हूं, आशा करता हूं कि हमारे सामने एक बहुत ही सफल मिशन होगा। हैदराबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। हैदराबाद में डोमलगुड़ा के इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट में घायल हुए 3 और लोगों की गुरुवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक की एक दिन पहले मौत हो गई थी। 53 वर्षीय पद्मा, 28 वर्षीय धनालक्ष्मी और 7 वर्षीय अभिनव ने गुरुवार को जलने के कारण दम तोड़ दिया है, जबकि 7 वर्षीय शर्वनया की बुधवार को मौत हो गई थी। वहीं मंगलवार सुबह डोमलगुड़ा में एक घर से एलपीजी सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 7 लोग झुलस के मर चुके हैं। वहीं परिवार की महिला भगवान को चढ़ाने के लिए बोनम जला रही थी, तभी आग लग गई और घर में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। घायलों को गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 में से 7 की मौत हो गई है। 3 अन्य इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू है। हैदराबाद से सनसनीखेज का मामला सामने आ रहा है। हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा में MBBS की एक पढ़ाई कर रहे 21 साल के छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उसने ब्लेड से अपनी हाथ की नस काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के समय छात्र के माता पिता घर पे नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच कर रही है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में इन दिनों सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में अब एक MBBS स्टूडेंट ने ब्लेड से हाथ की नस काट के आत्महत्या कर ली है। मामला जगतगिरी गुट्टा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि 21 वर्षीय छात्र कुछ सालों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से छात्र ने एंटी डिप्रेशन की दवाई लेना बंद कर दिया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो मृतक की परियोजनाओं ने बताया है कि छात्र ने रविवार के दिन ऐसा काम किया, फिर अपने कमरे में चला गया। इसके बाद वे लोग किसी काम से घर से बाहर चले गए। जब वे वापस घर लौटे तो पाया कि उनका बेटा लाश से खून से लथपथ हालत में बेड पे पड़ा हुआ है। उसके पास एक ब्लेड भी था। ये सब देखकर वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। माता पिता ने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच में ये मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है।